तो गाइस इन्होंने बोला है दबे पांव चलना है क्योंकि एक कोर जंगल में से जा रहे हैं अभी हम निकल के और अंधेरा होने वाला है और टाइगर नीचे पानी पीने आया था, पॉज के निशान देखे इन्होंने। सो गाइस इस व्लॉग में मैं सब वो दिखाऊंगा जो अनसीन होता है, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं गया, वो सारी चीज़ें हम जिम कॉर्बेट में करेंगे। ये सारी इलीगल है और अलाउड नहीं है, स्पेशल परमिशन से करूँगा ये व्लॉग। सो गाइस मैं सो के उठ चुका हूँ और मेरे पीछे पहाड़ है और देखो ये VV9 रिजॉर्ट है और हमारे रिजॉर्ट के गेट के सामने ही पहाड़ है ऊपर तक और पहाड़ों में जम रही है उस धुंध, गंदी धुंध आ रही है। तो अभी ये रास्ता सफारी के लिए जाता है। तो ये देखो जैसे हमारा गेट का रिजॉर्ट का गेट है VV9 का, तो यहाँ से जाती है सफारी क्रॉस होती है क्योंकि रिजॉर्ट ही सीतामणि जंगल में है और सफारी जो कराते हैं वो सीतामणि जंगल की सफारी होती है और दूसरी डिकाला की होती है। जो सीतामणि की सफारी है वो यहाँ से होके गुजरती है, यहाँ से आएगी भी और यहाँ से जाती रहती है और रिजॉर्ट इनका यहाँ अंदर ही है। तो कल शेर हमें वहाँ दिखा था, अगर लास्ट वीडियो में नहीं देखा तो देखना, है ना भाई? और आते रहे कल लकड़बग्गे लड़ रहे थे, लकड़बग्गे चार ग्रुप लड़ रहे थे। अच्छा, तो मैं सो रहा था और इतनी भौंकने की और अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज आ रही थी। एक क्लिप गोप्रो से ले रहा हूँ, वाइड एंगल से पता नहीं कब क्या दिख जाए, कैमरे में तो इतना वाइड नहीं हो पाता। ये देखो और भी जो क्लिप है बिना कलर करेक्शन के है, ये भाई जा रहे हैं आगे और इसी जगह जहाँ अभी ये भाई खड़े हैं यहाँ पे शेर था एग्जैक्टली कल, और शेर वहां चला गया था पहाड़ों पे। अमेजोन के जंगल होते हैं ना आप देखते हो, बड़े बड़े पत्ते ही पत्ते मूवीज में, सेम सिस्टम यहाँ। तो गाइज मैं अभी बहुत अंदर तक आ गया हूँ, करीब आधे किलोमीटर अंदर तक आ गया हूँ कोर जंगल में और यहाँ आप सफारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, एकदम घना जंगल है। और एक बार ही देखो रेज आ रही है सन रेज और कितना घना जंगल है ये देखो। हम वहाँ से आए अंदर काफ़ी अंदर, आधा किलोमीटर चल के, कि टाइगर दिख जाए। कल टाइगर इन्हीं पहाड़ों में था, इन्हीं पहाड़ों में। अभी आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में ये है आलू और पोहे, सैंडविच, पराठे। तो ये हमारा सिटिंग एरिया है, ये जैसे आप ये देख सकते हो, और पूल साइड, जैसे हम हमेशा डिनर पूल साइड ही कर रहे हैं दो दिन से। तो ये हमारा रिजॉर्ट है VV9, ये देख सकते हो सामने पहाड़ मिलेंगे, कोहरा मिलेगा। सो गाइज अभी जा रहे हैं हम वाटरफॉल देखने और अंदर कोर जंगल में थोड़ा चल के जाएंगे और कुछ ब्रेकफास्ट और लंच भी सी साइड करेंगे, सॉरी रिवर साइड करेंगे। सब रेडी हैं, चले मैं बस कार्ड कॉपी हो रहा, कार्ड ले लूँ। तो अभी ये बस कॉपी हो गया मेरा फुल, तो अभी ये खड़ी है मेरी गाड़ी। अभी कोहरा थोड़ा कट गया है और रास्ता साफ है। नहीं अभी कहाँ जाने वाले हम? लदवा चौड़। ये क्या है? ये वहाँ पे एक डेंजरस वाटरफॉल है जहाँ पे टाइगर्स आते हैं ज़्यादातर। नाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला। तो मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, भाई लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे और पूरी ओस पड़ी पड़ी है गाड़ी में। सो गाइस जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो रास्ता देखो यार कितना मस्त है, ये देखो नज़ारा देखो यहाँ का, वाह चारों तरफ घना जंगल। सो गाइस अभी सीन ऐसा है, ये देखो ये नदी बह रही है बहुत जोर की और मैं अपनी थार यहाँ से ले जाऊँगा, ये देखो नदी पे से यहाँ का शॉट लेगा ले। तो जिस जगह जा रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं है, यहाँ पे बहन है टूरिस्ट क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। हाँ गाड़ी के लिए गड्ढा खोदा हुआ है ताकि आगे कोई ना जाए क्योंकि यहाँ वाटरफॉल है बहुत बड़ा और यहाँ पे वाटरफॉल है तो टाइगर पानी पीने आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट आने के लिए। ठीक है रास्ता देख लो एक बारी, उस साइड आवाज आ रही है, आई ना तो इसका मतलब टाइगर हो सकता है वहाँ पे। भाई पानी पीने तो आते हैं, जरूर आते हैं। तो भाई कह रहे थे यहाँ पे पंजे दिखते हैं हमें टाइगर के, तो ट्राई करेंगे टाइगर के पंजे भी दिख जाए। क्या नजारा है यार, ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। तो ये देखो टाइगर के पंजे दिखाओ यार, यहीं कहीं होंगे, कहाँ थे तुम्हें उस दिन, यहाँ दिखे थे। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे नदी में, ये देखो
तो ये आ गई है नदी, तो नदी नदी पे से जाएंगे हम। बता दूं पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, शायद आपने किसी ने नहीं देखी होगी, यहाँ गांव वाले भी नहीं आते। मैं बता दूं तो अभी रिवर क्रॉस करके वहाँ जा रहे हैं, तो भैंस क्या उस पहाड़ पे जा रहे हैं, और वहाँ 100% टाइगर मिलेगा ही, पानी पीने आता है। आ जाओ। तो कैसे कैसे आ रहे हैं लोग, मूवीज में आती होती है ऐसी लोकेशन नहीं? तो इन्हें यहाँ कुछ मिला है, क्या मिला? ओ हो फिशेस, ये देखो फिशेस। तो मैं गाइस गोप्रो ऑन करके डालता हूँ, तो नेक्स्ट क्लिप आप गोप्रो की देखते हो। ये पानी पीना मत, क्योंकि अगर कोई जानवर ऊपर मर जाता है और उसमें उस जानवर के बैक्टीरिया आ जाएंगे, और फिर वो पियोगे तो आपके डायरिया हो जाएगा। ये मेरा ज्ञान नहीं, ये मैंने बियर गिल्स का देखा था जब वो करता है एडवेंचर। नहीं सेम ऐसे ही नहीं लग रहा बियर गिल्स वाला भाई, टाइटैनिक वाला पोज दो। तो जितनी फोटोज है इंस्टाग्राम पे डालो, फॉलो जरूर कर लेना, यूजर नेम आप ये देख सकते हो। तो भाई मेरी हालत यहाँ ख़राब हो गई है, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी वहाँ फंसी पड़ी हैं, एक बंदा वहाँ फंसा पड़ा है, आकाश यहाँ फंसा पड़ा है पानी में, अब मैं देखो कैसे फंसा पड़ा हूँ। कुछ भी कहो, मम्मी सबसे आगे है भैंस किया। ये देखो मम्मी कहाँ पहुँच गई, और सारे हम ये पीछे। ओह ये देखो गाइस, पता नहीं कीचड़ सी दलदल सी है, ये पानी रिस गया यहाँ पे। अभी यहाँ से और ऊपर जाना है क्या? बहुत ही डेंजरस है ऊपर। कैसे? पेड़ से जाना पड़ेगा अभी तो। पेड़ पे चढ़ चढ़ पकड़ पकड़ के, और एक पत्थर इतना बड़ा आएगा वहां से देख के सारे लोग दम तोड़ देंगे कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, बट जा सकते हैं। कोई ना, हम दोनों चलेंगे अगर कोई नहीं गया। देखो तो मेरा प्रॉमिस है, अगर मैंने ऊपर से ड्रोन उड़ा दिया ना चोटी से, तो ये वीडियो शेयर होगी, 1,00,000 लाइक चाहिए मेरे को बस। ये देखो कहाँ पैर रख के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये देखो भाई, वाह भाई, यहाँ नहाने में जो मजा आएगा ना। नहाया तुमने यहाँ पे? हाँ मैंने तो बहुत नहाया, पूरा दिन एंजॉय किया था। छोटे छोटे पॉट होल्स हैं, इनमें है पानी। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ लोकेशन पे, और ये रेनबो आप देख सकते हो शायद, और वाओ वहाँ ऊपर से सीधा नीचे गिर रहा है। फाइनली मैं आ गया यहाँ पे, चट्टान पे खड़ा हूँ मैं अभी, जो ऊपर से लैंडस्लाइड गिर गया है, तो आप रेनबो देख सकते हो, कि रेनबो दिख रहा होगा, और ऊपर से पानी गिर रहा है। तो फाइनली हमारी मेहनत पूरी, और हम पता है कहाँ से आए, वहाँ कहीं दूर से आए, दिखाना देखो वहाँ कहीं दूर से आए हम, और यहाँ नीचे से चढ़ चढ़ के ये देख सकते हो। जैसे एडवेंचर मैप करता हूँ ऐसे किसी और यूट्यूब चैनल पे आप शायद ही देख पाओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा इंडिया से बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, अगर हमारी एडवेंचर वीडियो आपको पसंद आई हो तो है ना, चैनल वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? अब उतरता हूँ मैं नीचे, क्योंकि और मैं बता दूँ ये कैमरा बंद हो गया था मेरा, तो मैंने गोप्रो से रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि वो जो झरना है नीचे, तो झरने पे इसमें पता नहीं वो होता है ना छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो कैमरे पे चले गए थे, तो इस कारण कैमरा बंद हो गया था। तो मैंने अभी धूप में यहाँ रखा था कैमरा, और धूप में अभी सूख गया, फिर ऑन हुआ है, तो चलते हैं। सो भाई देख रहे हैं व्लॉगिंग कैसी होती है भाई, व्लॉगिंग भाई एक नंबर, और काफ़ी भाई मेहनत देख रहे हो, मेहनत करते हैं यार, क्योंकि मुझे पता चल रहा है ना कैसे कैसे आ रहे हैं, और हाथ में 10 किलो का कैमरा लेके भाई, सब ऐसे यहाँ ड्रोन लेके, हाँ ड्रोन भाई लेके, और ऐसे उतरना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलो अब देखो यहाँ से कूदता हूँ मैं, कौन कैमरा है भाई दोनों लाग लो, आ जाओ।
फाइनली हमने चढ़ाई खत्म कर ली ऊपर की और अब हम आ गए हैं नीचे प्लेन एरिया में। अब यहाँ से भी आधा एक किलोमीटर चल के जाना है। मम्मी गिर गई थी, मम्मी के पैर में लगी है थोड़ी सी, है ना, तो मम्मी पानी पानी में से ही आ रही है। पानी कैसा है, ठंडा? सो गाइज इन्होंने बोला है दबे पांव चलना है क्योंकि एक कोर जंगल में से जा रहे हैं अभी हम निकल के और अंधेरा होने वाला है और टाइगर नीचे पानी पीने आया था, पॉज के निशान देखे इन्होंने, तो एक घना जंगल है ये देखो, इन झाड़ियों में हो सकता है भाई, पॉज के निशान देखते आना, पीछे से आवाज आ रही है ना, बंदे कम ना हो जाए पीछे से, दिक्कत है, कुछ है ना प्रमोद भाई, तो गौर से सुनोगे हेडफोन लगा के तो चिल्लाना चालू हो गया जानवरों का, चिड़ियों का, तो मतलब आसपास ही है, ऊपर कहीं है वहाँ पे टाइगर। तो ये है पूरा एरिया जहाँ पे टाइगर आता है और हम वहाँ से चलते हुए आए हैं। तो फाइनली अभी हम थोड़े सेफ जोन में आ चुके हैं। सो गाइस मैंने ना शूज उतार दिए क्योंकि शूज में पानी भर गए थे। A few moments later. तो गाइज अभी हो गया रूम में आराम करा था हमने आधा एक घंटा, तो अभी हमारा हो गया डिनर रेडी और डिनर बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे बॉनफायर के साथ करेंगे। तो ये मेरा रूम है, ये आकाश का रूम है और डिनर हमारा वहाँ लग रहा है कहीं, तो डिनर हमारे यहाँ पे है, अभी हो रही है बॉनफायर और यहाँ पे टेबल चेयर सब है, तो खाना हमारा लग चुका है। क्या क्या बात है, कोक आ चुकी है हमारी, बिना इसके कोक के मैं खाना खाता नहीं। लकड़ी अभी जली है, तो दिन में तो यहाँ गर्मी होती है, दिल्ली से ज़्यादा गर्मी होती है, बट रात को जैसे ही 5 बजे के बाद बजते हैं तो पहाड़ों से आता है कोहरा और ठंड भी अचानक से आती है, एक घंटे में मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री या 15 डिग्री का अंतर आता है, तो अभी टेम्परेचर है 4 या 5 है। गाइस अभी कर रहा हूँ मैं डिनर और मैं बता दूँ डिनर में क्या क्या है। यह है पहाड़ी दाल, यहाँ की बहुत स्पेशल दाल होती है पहाड़ी लोगों की, और यह है पनीर, मटर पनीर है, और यह है साग, ये पता नहीं कौन सब्जी का साग है लेकिन हरा साग है। ये है चटनी, यहाँ की स्पेशल, ये चटनी यहाँ की स्पेशल, सुबह शाम हमें तीनों टाइम मिल रही है। और ये है लच्छा पराठा, ठीक है, और ये है चावल, फ्राइड चावल। सीन ऐसा अभी बज रहे हैं 1:30 AM और अभी हमने सीन बनाया कि अभी हम जा रहे हैं जंगल में, कोहरा बहुत पड़ रहा है क्योंकि इस टाइम जानवर दिख सकते हैं। ये हमारे भाई हैं भविष्य भाई, ये भविष्य देखते हैं और इन्होंने टाइगर का भविष्य देख लिया कि हमें रोड पे मिलेगा, चले फिर। चलो भाई। सो गाइस यहाँ पे सीन ऐसा है, अभी हम हैं रिजॉर्ट के गेट में, ठीक है, ये रिजॉर्ट का गेट है, और एक आपको जादू दिखाऊं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बारिश नहीं आ रही, वहां से आवाज सुनो कैसी आ रही है, जैसे बारिश में गिरती है ना पत्तों पे, सुनाई दी? तो ये सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया, गेट के उस पार बारिश की आवाज़ आ रही है, गेट के इस पार, मैं तुम्हारे सामने व्लॉग कर रहा हूँ, कोई बारिश नहीं आ रही, तो वो तो गेट के पार जाके पता चलेगा क्या है। गाइस अभी हम घने जंगल में हैं, ये देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा अभी भी, पीछे ही भाई है, तो यहाँ पे एलिफेंट आते हैं हमेशा घास चरने, तो भाई एक्सपर्ट बैठे हैं, तो अभी हम घूम रहे हैं, बट दिक्कत ये है धुंध बहुत ही ज़्यादा है, और धुंध नहीं होती ना तो लाइट मारते ना तो ये जो खेत है ना दूर तक, ये फ्लैट लैंड है, आराम से लाइट पड़ती तो एनिमल चढ़ते हुए दिखते हैं, जैसे सांबा हो गया, एलिफेंट हो गए। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कौन सी जगह, ऊपर कोटा बाग के लिए जा रहे हैं, कोटा बाग के लिए, तो थोड़ा राउंड मार के आते हैं, देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं दिखता, बढ़िया सा पिरामिड भी कुछ नहीं सामने, सीधे बाग के लगते बहुत सारे हैं पीछे, दिख रहा है पीछे नहीं, अरे भाई आंख देखो ना, हाँ आंखें दिख रही पूरी चमक रही है, वो देखो दिख रही आंखें, खराब हो गई है, कल का बहुत बड़ा एडवेंचर वाला दिन है वो मैं मिस नहीं करना चाहता, तो कल का पता चलेगा कि क्या होता है मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और बेल दबा देना, उससे क्या होगा आप नोटिफिकेशन आ जाती है यार। हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, ये जो आप वीडियो देख सकते हो क्योंकि वहां पे पहली अपडेट दे देता हूं मैं, समझते हो।